आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है, उसे चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के वो हमारे उपकरण नहीं चल पाएंगे। जैसे कि हमारा फ़ैन हो गया, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, इन सारी चीज़ों को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा चार्ज। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका क्यू इक्वल टू एल ई। क्यू यहाँ पर हमारा चार्ज है, एल नंबर्स और ई आपके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वायर से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, हम कहते हैं कि इसका चार्ज उतना है, यानी कि इसमें से उतना चार्ज फ्लो हो गया है। इससे डेफिनेशन सीधी हमारी बन रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज की जो SI यूनिट होती है हमारी वो होती है कूलम। चार्ज को हम कूलम में नापते हैं। चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उससे पहले चार्ज के कुछ टाइप्स होते हैं। चार्ज जो होता है हमारा वो मेनली दो टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन्हीं तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो हमारा प्रोटॉन्स होते हैं, उन प्रोटॉन्स के ऊपर हमारे पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, और दूसरा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। मीन्स प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव चार्ज हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज हो गए। अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टीज वैसे तीन होती हैं। चार्ज आर क्वांटाइज, चार्ज जो होता है हमारा क्वांटाइज होता है। दूसरा, चार्ज हमारा एडिटिव होता है नेचर में, और चार्ज जो होता है अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले क्वांटाइज की बात होगी, तो क्वांटाइजेशन के लिए ये जो फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन ई, मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव, यानी कि चार्ज आपका एडिटिव होता है नेचर में, मीन्स एड होने वाला होता है, प्लस होने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बॉडी पर अलग अलग पार्ट में चार्ज डिवाइड है, मीन्स यहाँ पर अगर बंद गोदाम है, यहाँ पर बंद गोदाम है, यहाँ पर बंद गोदाम है और इधर भी बंद गोदाम है, अगर हम कहते हैं कि पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है, तो इसको पता करने के लिए हम टोटल क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। 1 + 1 + 1 + 1 हमारा इक्वल टू टोटल आ जाएगा फुल गोदाम। मीन्स टोटल पूरी बॉडी पर जो चार्ज निकल के आएगा वो ऐड करने के बाद आएगा। तो इससे हमारा पता चलता है कि चार्ज हमारा नेचर में कैसा है? एडिटिव है। नेक्स्ट है आपका अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज के साथ रिपेल ईच अदर। इससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि अनलाइक और लाइक चार्जेस है क्या। लाइक चार्जेस मतलब नाम से पता चल रहा है हमारा, लाइक मतलब एक जैसे, मीन्स या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, एक जैसे चार्ज हो। अगर हम लाइक चार्जेस को, यानी कि एक जैसे चार्जेस को अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा मैग्नेट के, जब हम दो एक जैसे पोल्स को पास में लेकर के आते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी है। जब हम एक जैसे चार्जेस को, या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, जब एक जैसे चार्जेस को हम एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकेंड है आपका अनलाइक चार्जेस। इसी का ठीक अपोजिट है आपका अनलाइक, मीन्स एक जैसे ना होना, यानी कि या नेगेटिव और पॉजिटिव को पास में लेकर के आए, या पॉजिटिव और नेगेटिव को पास में लेकर के आए। जब हम अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के पास में लेकर के आएंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कराएंगे। जब हम अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के पास में लेकर के आते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ना कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज से बड़ा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक और बात, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दोनों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है। दोनों के ऊपर चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा माइनस का होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा प्लस का होता है।